इमरान खान अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। ऐसे में आपके लिए पाकिस्तान के विपक्ष के उन चेहरों को भी पहचानना जरूरी है जिनकी गुगली से गड़बड़ा गई है इमरान की पारी। पाकिस्तान में क्या है बहुमत का आंकड़ा, आइए आपको दिखाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, अध्यक्ष जमीयत उलेमा इस्लाम। शहबाज शरीफ, नेता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बिलावल भुट्टो, अध्यक्ष पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। मरियम नवाज, पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी। पाकिस्तान में विपक्ष के यही वो चार चेहरे हैं जिन्होंने इमरान खान की सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। इन नेताओं ने कई और क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का गठन किया है, जिसके तहत कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं। पीडीएम पिछले दो साल से इमरान को नकारा बताकर इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस बार बहाना बढ़ती महंगाई और देश की आर्थिक बदहाली है। इमरान सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है उस पर 100 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत हैं, लेकिन विपक्ष की ताकत इससे कहीं ज्यादा है। आइए आपको सबसे पहले पाकिस्तानी संसद यानी नेशनल असेंबली में बहुमत का गणित समझा देते हैं। कुल सदस्य हैं 342, बहुमत के लिए चाहिए 172। इमरान के पक्ष में हैं कुल 179 सांसद, जिनमें इमरान की पार्टी पीटीआई के 155, एमक्यूएमपी के 7, पीएमएलक्यू के 5, बीएपी के 5, जीडीए के 3, एएमएल के 1 और अन्य हैं 3। वहीं विपक्ष के पास 162 सांसद हैं, जिसमें पीएमएलएन के 84, पीपीपी के 56, एमएमपी के 15, बीएनपी एम के 4 और निर्दलीय 2 शामिल हैं। यानी अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान के दौरान प्रधानमंत्री इमरान खान अगर 172 सदस्यों का समर्थन हासिल नहीं कर सके तो उनकी सरकार गिर जाएगी। उधर विपक्ष के खेमे में 162 सांसद हैं, जो इमरान सरकार को हटाने के लिए बहुमत के आंकड़े से बस 10 कम है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY के मुताबिक अभी कई और सहयोगी और पीटीआई सांसद पाला बदल कर विपक्ष का साथ देने की तैयारी कर रहे हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव से इमरान कैंप में बौखलाहट साफ देखी जा रही है। कुर्सी तक पहुंची आंच से बौखलाए इमरान बागी नेताओं को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तान में इस पूरी राजनीतिक अस्थिरता की जड़ इमरान खान के सेना से बिगड़ते रिश्तों में देखी जा रही है। इमरान खान चाहते थे कि विपक्ष को कुचलने में सेना उसका साथ दे, लेकिन इसके उलट कई मौकों पर बाजवा के बयानों से विपक्ष के आंदोलन को और हवा मिली। चर्चा तो यहां तक चली कि इमरान खान बाजवा को हटाकर किसी और को सेना प्रमुख बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद इमरान ये भूल गए हैं वो महज एक कठपुतली है जिसे सेना ने ही कुर्सी पर बिठाया और अब सेना ही कुर्सी से उतारने का खेल भी खेल रही है। ABP News, आपको रखे आगे।